गाइस, हाय, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। इस टाइम मेरे हाथ में है माचिस और अब शाम का कोई 5 बजे का टाइम है, तो मैं छत पर आई थी, नीचे लाइट गई हुई है क्योंकि मैंने लगाना था अपने हस्बैंड के वाइट सूट को, कलफ जिसे माया कहते हैं वो लगाना था, तो मैंने सोचा चले छत पर जाके थोड़ा सा वीवर्स से हेलो हाय गपशप भी कर लेती हूँ और साथ में कलफ भी लगाती हूँ, तो वीवर्स को दिखाती हूँ कि मैं जो अपने तरीके से माया लगाती हूँ कपड़ों को वो किस तरह लगाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको साथ में, तो साथ में गपशप भी करती हूँ। तो वीवर्स, आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और मुझे कमेंट्स भी किया करें। एक मेरे भाई हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ही आपने बरातियों की और वस्तकबालियों की वीडियो नहीं दिखाई, तो सॉरी टू से, मुझे दिखानी चाहिए थी, लेकिन बस कहते हैं ना कि शादी का माहौल था और इतनी मसरूफियात थी कि बस कुछ जहन में रहा, कुछ नहीं रहा। तो नेक्स्ट टाइम फिर किसी भी अगर बरात में गई तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना जो है कलर लगाने का पैटर्न। बस ये देखें, आपको मैं सिर्फ एक टिप नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ। ये मैंने फ्राई पैन में जो है पानी लिया हुआ है और ये मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है नीम गर्म होने के लिए, और ये मैंने कलफ लिया है और कलफ जो मैंने लिया है मैंने लगाना एक सूट को कलफ, तो इसमें से जो है मैं सिर्फ 2 चम्मच खाने वाले 2 चम्मच जो है ये ठंडे पानी के अंदर मैंने ना मिक्स कर लेना है, ये थोड़ा सा ये इसको अच्छी तरह इस तरह मैंने मेल्ट कर लेना है ठंडे पानी में, ठीक है। इस तरह ठंडे पानी में मेल्ट करने के बाद जो है मैं इसको इसके अंदर डालूंगी और इसको 7-7 चम्मच हिलाती जाऊंगी। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है हमने कि ये जो है इसमें फुटकुड़ियाँ ना बने, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी बस ये देखें, दूध की तरह जो है मैंने कलफ जो है वो घोल लिया है पानी में, ठंडे पानी में, तो जो पानी हमारा वो भी नीम गर्म हो गया, चेक करते हैं। हाँ जी, ये देखेंगे हमारा पैटर्न है पानी चेक करने का। आप मत हंसिएगा मेरी उंगली जलने में, ठीक है, तो इतनी खास भी जली है। तो ये जो है मैं इसके अंदर डालती जाऊंगी और साथ साथ जो है मैं चम्मच हिलाती जाऊंगी ताकि जो हमारा कलफ है वो सही पके और उसमें फुटकड़ियाँ जो हैं वो ना बने। ये देखें तो व्यूअर्स, ये देखें हमारा जो कलफ है माया अमीन के वो रेडी हो गया है। आपने इसी फॉर्म में ये देखें, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला इस फॉर्म में रखना है, और जो मेरी बहनें हैं देख रही हैं और जो मेरे जो परदेसी भाई हैं या जो भी हैं या जिनकी बहनें कहीं खाला के घर आंटी के घर कहीं गई हुई हैं, मामाज भी गई हुई हैं, तो उनको ये मसला है, तो नो टेंशन, आप ज़रा अपनी मामा को और अपनी जो सिस हैं उनको ज़रा रेस्ट दें। इतना आसान और इतना अच्छा तरीका मैं अपना आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप खुद भी इस पर अमल करें, तो ये छोटे मोटे काम खुद ही किया करें तो बड़ा मज़ा आता है, छोटे छोटे काम अपने हाथों से अपने काम करें तो उसका अलग ही खुशी होती है। तो इसके बाद जो है हमने ये बॉल ले लेना छोटा, और इसमें ये एक जो है सूती कपड़ा वो मैंने रख लेना है, उसको ऐसे बना के इसके अंदर डाल के, तो फिर मैंने इसको पानी में जो है कर लेना, इस तरह जो ये कलफ है ये माया जो है हमारी ये ना छन के पानी में जाएगी। ओके, ये देखिए ये जो है इस तरह छन के जो पानी में जाएगी, और साथ साथ हमने जो है इसमें हाथ भी हिलाना है, ये देखिए, ताकि पानी के ठंडे पानी के बीच में जो है इसकी फुटकुड़ियाँ ना बन जाए, बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म, ये देखिए, ठीक है, इस तरह एहतियात के साथ बड़ा गर्म है। तो अभी बस ये देखें, वन बाय वन एक कपड़ा जो है हम इसके अंदर अच्छी तरह पानी के अंदर डीप करेंगे और इसको जो है इस तरह निकाल लेंगे, ये देखिए, अच्छी तरह जो है हमने कपड़े को डीप करना है, फिर बाहर निकालना है। इस तरह ये हमारे जो है कॉटन का सूट, ये हमारा कलर जो है अच्छी तरह लग जाएगा, ये इसी तरह फिर जो दूसरा कपड़ा है उसको डीप करना है और ऐसे निचोड़ लेना है, हम इसको तौर पे डालती हूँ। अभी बस ये देखें कलब जो है हमारा लग गया, ये देखें
और जो कलफ वाले कपड़े हैं उनको जितना हो सकता है आप छोड़ के जो है ये ऐसे डालें। बाकी का काम तो बस कपड़ा पे कलर लगा दिया मैंने। अब मैंने सोचा चले शाम को खाना साफ सुथरा रेडी कर लेती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि शादियों के खाने बरातों के खाने खा के यू नो कि शादियों में खाने तो फिर से पता चिकन मटन वगैरह यही चीज़ें होती हैं, तो मैं थक के आ चुकी हूँ। तो मेरा दिल किया बच्चे की भी परवाह थी कि आज वेज जो है ना वो बनाए राइस, तो मैं बनाने लगी हूँ आलू के चावल साथ में हरी मिर्चों की चटनी, चटपटी सी यम्मी सी यम, मेरे मुँह में पानी आ रहा है अभी से। और साथ में मैंने फ्रिज में रखा हुआ है जर्दा, तो मज़ा आएगा जब हम आलू वाले चावल और गरम गरम जर्दा और हरी मिर्चों की चटनी मिक्स करके खाएंगे तो वो वाह बहुत मज़ा आएगा। तो मैं बना रही हूँ ये, मैंने प्याज डाले इसमें, प्याज ब्राउन हो रहा हमारा, ये देखें प्याज हमारा ब्राउन। व्यूअर्स ये देखें इसमें मैंने मसाला भी डाल दिया है, अब इसको हम मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे और उसके बाद जो इस पे मैं जो मैंने आलू काट के रखे हुए फिंगर शेप में ये ऐड कर दूंगी, उसके बाद पानी ऐड कर दूंगी, उसके बाद चावल। जी तो व्यूअर्स ये देखें मसाला हमारा रेडी है, ये इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, इसको थोड़ा सा मैंने भूनना है, भूनने के बाद जो है इसमें मैं फिर पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो भी बुनाई पे आ गए हैं, अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी, मैं पानी गिलास के हिसाब से डालती हूँ क्योंकि चावल भी गिलास के हिसाब से होते हैं, डेढ़ गिलास मेरे जो है चावल थे तो मैंने इसमें ढाई गिलास जो है पानी ऐड कर दिया। अब इसका उबाला आने तक मैंने वेट करना है, उसके बाद जो मैंने पानी में जो है नमक टेस्ट करके चावल ऐड कर देंगे। तो अभी बस ये देखें मैं इसमें डाल रही हूँ चावल, पानी उबाला आ गया, ये चावल इसमें चले गए हैं। अब इसमें जो है मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे अच्छी तरह मैं हिला के व्यूअर्स शाम काफ़ी हो गई है, आज मैं आपको ना चांद दिखाती हूँ रोशनी में, ये देखें सामने वो चांद नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, काइट्स भी कितनी उड़ रही है, दिखाओ ना ज़रा आसमान की तरफ, ज़्यादा नहीं ठीक है। तो सॉरी मैं तो भूल ही गई, चावलों को दम लगाया था, उसका दम देख लेती हूँ मैं, और उसके बाद वाओ यम्मी खुशबू आ गया। तो अभी बस चावल जो है हमारे रेडी हैं ये देखें, और अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के जो है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी बस लाइट भी आ गई है और हम लोग नीचे भी आ गए हैं और मेरे सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं, कपड़े भी रेडी हो गए हैं, खाना भी शाम का रेडी हो गया है। तो मैंने जो खाना अब शाम का बनाया है अपना देसी खाना एक सिंपल सा, वो मैंने डिश आउट भी कर लिया, ये देखें मेरे पोटैटो राइस और ये मेरा जर्दा है खोपरे वाला यमी वाला आलमंड्स वाला, और ये मेरी हरी मिर्च और टमाटर की जो है मज़ेदार सी चटपटी सी जो सी है ना चटनी, जैसा कि मैंने आपको बताया शादियों का सीज़न है और शादियों के खाने जो से हैं मुर्ग मुसल्लम खा के मैं थक के अक चुकी हूँ। तो मैंने आज ये जो है अपनी खुद ही शाम की इवनिंग में जो डिनर है वो तैयार की है, अब मैं इसे खाऊंगी और इंजॉय करूंगी। तो व्यूअर्स आई होप कि आज की जो मेरी वीडियो आपने इंजॉय की होगी, नेक्स्ट अच्छी वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।